कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, सरसों सीड के मार्केट में आज बाजारों में क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड मार्केट में आज आप देखकर चल सकते हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सरसों के मार्केट में फिलहाल अभी बहुत ज्यादा तेजी के साथ बाजारों में आपको कारोबार देखने को नहीं मिल सकता है। तेल टूटने की वजह से सरसों में गिरावट दर्ज करी जा रही है, आवक सीमित है, बहुत ज्यादा बाजारों में आवक भी नहीं आ रही है। सरसों में जयपुर में 25 रुपए तक की आज गिरावट के साथ कारोबार देखा गया, आवक में गिरावट आई है, 3.5 लाख से 3 लाख बोरी की आवक बाजारों में रह गई है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, जयपुर में रेट 6100 देखा जा रहा है, दिल्ली में रेट 5950 है, बरवाला का रेट 5650 चल रहा है, हिसार में आज का रेट सरसों सीट का 5500 है, ग्वालियर का रेट 5650 है, मुरैना का रेट 5500 देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर में अगर आप रेट देखेंगे तो जयपुर का रेट 1151 है, दिल्ली का रेट 1145 चल रहा है, भरतपुर में 1125 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। कच्ची घानी में इसके अलावा जयपुर में कीमतें 1161 हैं, कोटा का रेट 1190 है, भरतपुर का रेट 1155 है। प्लांटों में गोयल कोटा जो प्लांट का रेट है आज सरसों सीड में, वो आपको यहाँ से 5900 रुपए देखने को मिल सकता है, जिसमें 50 रुपए तक की आज के दिन गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। इसके अलावा आज अराइवल के बारे में बात करी जाए कि कितनी आवक आई है, तो टोटल 3 लाख बोरी की आवक हुई है, जिसमें से राजस्थान में 1,65,000, मध्य प्रदेश में 35,000, गुजरात में 10,000 और बाकी सारी मंडियों को मिलाकर 40,000 बोरी की आवक सरसों में आई है। आवक भी बाजारों में कम हो रही है और विदेशी मार्केट से बहुत अच्छा सपोर्ट ना मिलने के कारण बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि 3.5 लाख से आवक कम होकर 3 लाख बोरी की रह गई है और बाजारों में आवकों में लगातार इस तरह से कमी दर्ज करी जाती है, तो बाजारों में हल्की फुल्की तेजी आने का अनुमान जरूर है। व्यापारों के अनुसार उत्पादक राज्यों में मौसम खराब है, साथ ही स्टॉकिट्स और किसानों के पास सरसों का बकाया स्टॉक तो ज्यादा है, लेकिन नीचे दाम पर बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। खपत का सीजन होने की वजह से घरेलू बाजार में सरसों तेल की मांग आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, लेकिन कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के मार्केट पर ही निर्भर करेगी। अगस्त का महीना में काफ़ी ज़्यादा त्यौहार हैं, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार को देखते हुए, और क्योंकि अगस्त के बाद भी शादियों का सीज़न शुरू है, तो एक अच्छी खपत को देखते हुए डिमांड अगर निकलती है तो सरसों सीड में तेज़ी ज़रूर आ सकती है। फिलहाल आप एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदारी तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऊपर इस पर आप टाइम टू टाइम अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24.